सुपरस्टार एक्टर प्रभास की पिछली फिल्म सालार ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। अब दर्शकों को उनकी अगली फिल्म कल्कि 28988 का इंतजार है। ये इतनी महंगी फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म लॉन्च से पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है। फिल्म लॉन्च से पहले ही फिल्म की 13 लाख से ज़्यादा टिकट्स बुक हो चुकी हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा केवल हैदराबाद में ही बुक की हुए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये सब हैदराबाद में प्रभास की फैन फॉलोइंग के चलते हुआ है। कल्कि 28988 को सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश में भी रिलीज किया जा रहा है। एडवांस बुकिंग पर नज़र डालें तो तकरीबन 35 करोड़ से ज़्यादा की कमाई अभी तक फिल्म कर चुकी है और फिल्म पर करीब 600 करोड़ की लागत लगी है। इसे निकालने के लिए पहले हफ्ते का वीक कलेक्शन तगड़ा होना चाहिए जिससे उसे कवर किया जा सके। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स फिलहाल फिल्म को तेलुगु वर्जन से मिल रहा है। हैदराबाद में फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए अभी तक की सबसे तगड़ी प्री कलेक्शन की है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म सिर्फ हैदराबाद से 14 करोड़ पहले ही कमा चुकी है और बता दें कि अगर इस लिस्ट में दूसरी पोजीशन पे कोई है तो वो 12 करोड़ कमाने वाली प्रभास की ही दूसरी फिल्म सालार है। तो अगर हम बात करें तो इस फिल्म तो प्रभास ने हैदराबाद में अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात अगर ओपनिंग डे के लिए करें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म पहले ही दिन करीब 200 करोड़ पार करने में सफल रहेगी। फिल्म की भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 120 करोड़ से ज़्यादा की मानी जा रही है, जबकि ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 60 करोड़ के पार जा सकता है। फिल्म में प्रभास को भैरव के रोल में देखा जाएगा, जबकि साथ में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी देखने को मिलेंगे। कल्कि के मेकर्स मार्केटिंग पर भी काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि फर्स्ट वीक कलेक्शन काफ़ी बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या रिलीज होने के बाद कुछ समय बाद फिल्म की कमाई इस रफ्तार से ही चलेगी? क्योंकि रिलीज के बाद तो सब लोगों के हाथ में ही होता है कि क्या होने वाला है फिल्म का।